कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोट एंड अनकोट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टेरी स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट ईट से वहाँ पे घर की दो महिलाओं ने ईटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पाँव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने DM महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी।